हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटल स्पेस। तो दोस्तों, आपके नबार्ड ग्रेडेड 2023 के एग्जाम में अराउंड 28 टू 29 डेज लेफ्ट है, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर जनरल अवेयरनेस पेपर ऑफ फेज वन इन नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, सो दैट यू कुड स्कोर 15 प्लस मार्क्स इन योर जीए पेपर। ठीक है दोस्तों, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस दिस वीडियो। चलिए, सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, और सो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे हम आपको हमारे रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड कंटेंट जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों, ये जो कंटेंट रहेगा ये आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे नबार्ड ग्रेड 8 2023 कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोर्स है ये आपके नाबार्ड ग्रेड 2023 के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक कोर्स बनाया गया है, जिसमें हम आपको नॉन स्टैटिक एज वेल एज स्टैटिक कवरेज ऑफ नाबार्ड ग्रेड 2023 प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की, दैट इज फॉर नाबार्ड ग्रेड 2023 फेज वन पैटर्न। अब दोस्तों, ये जो फेज वन का पैटर्न है दोस्तों, इसमें पांच सब्जेक्ट जो है वो आपके क्वालिफाइंग सेक्शन है, ठीक है, क्वालिफाइंग सेक्शन है, और बाकी के तीन जो सेक्शन है दीज आर दी मेरिट सेक्शन, और इन मेरिट सेक्शन के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन जो है इंश्योर होगा। बट आपको क्वालिफाइंग सेक्शन में भी एक कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आज जनरल अवेयरनेस के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। ईएसआई के स्पेसिफिक हमने पहले वीडियो बना दी है आपके लिए, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं दोस्तों, तो जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों, वो आते हैं 20 और 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क्स का रहेगा। अब हमें अगर मेरिट सेशन में अच्छा स्कोर करना है देन वी कैन नॉट इग्नोर जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफी इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, आप इसे इजीली 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस। बट अगर एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ आप चलेंगे तो जनरल अवेयरनेस आपके लिए काफी ईजी होगा, काफी स्कोरिंग हो जाएगा, आपका जो सिलेक्शन होगा फेज वन में यही सब्जेक्ट इंश्योर कराता है। सिंस ईएसआई और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में थोड़ा सा ऐसा है कि ईएसआई में स्कीम्स और रिपोर्ट्स की तरफ एग्जामिनर जो है ज्यादा पूछता है, और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में स्टैटिक की तरफ ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट जीए ऐसा सब्जेक्ट है जो एक जनरल सब्जेक्ट है, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं एक दो, ठीक है, या एक मैगजीन भी फॉलो कर रहे हैं, देन दिस इज मोर देन सफिशियंट। बट एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी तरफ हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन निकलने के आसार हैं, ठीक है, और कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीट नाबार्ड, बीट आईआरबीआई, बीट बैंकिंग और बीट यूपीएससी में, तो एक जनरल स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आपको उस एग्जाम को जानना चाहिए, उस एग्जाम को समझना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस टाइप का एग्जाम पैटर्न रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस किस लेसन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ताकि उस चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस कर सकें, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली सजेशन जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें PYQs को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट यू कि लास्ट एटलीस्ट 2 से 3 साल के आप PYQs को रीड कीजिए, ठीक है। PYQs को रीड करने का फायदा दोस्तों ये हुआ कि आपको क्वेश्चन का टाइप पता चल जाएगा, आपको एग्जाम पैटर्न की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस टाइप का एग्जाम पैटर्न आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जीए ईएसआई एआरडी में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उसी बेसिस पे उसी वे में जो है अपनी प्रिपरेशन आप कर पाए। नेक्स्ट, आपको हेल्प होगी टाइम मैनेज करने में, सिंस आरबीआई का जो पैटर्न है वो पिछले 2-3 साल से चेंज हो चुका है, आरबीआई में क्वेश्चन थोड़े लेंथी पूछे जाने लग गए हैं। बट हम जब नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड में जब दोस्तों जीए का पेपर आता है वो 1 लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो आपको इजीली आप इस पेपर को टैकल कर सकते हैं, ठीक है, टाइम मैनेज भी इजीली कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू कि टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक्स आपको जरूर सीखनी चाहिए, ठीक है, आरबीआई के लिए अलग टाइम मैनेजमेंट होता है और नाबार्ड के लिए भी टाइम मैनेजमेंट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखेंगे आप, जब आपको PYQs पता होंगे, जब आपकी प्रिपरेशन होगी, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, इसके बेसिस पे आपको PYQ की हेल्प से टाइम मैनेज करना भी आ जाएगा। अब दोस्तों, जब हम बात करते हैं कौन सा सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, सिंस आपके फेज वन का जो आपका
या कह लीजिए नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है उसमें फेज वन का सिलेबस मेंशन नहीं है, बट फेज टू का डायरेक्टली मेंशन है। तो फेज वन का ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी? सबसे पहले दोस्तों जीए की जब बात करें तो जीए कंप्लीटली करंट अफेयर से आता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि नाबार्ड आपका 16 अक्टूबर को है, तो 16 अक्टूबर से लेके पीछे पीछे के 4 मंथ, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, ये 4 मंथ जो है आपको आपके नाबार्ड ग्रेड ए के प्रिपेयर करने हैं फॉर करंट अफेयर्स। 4 मंथ के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं आपके जनरल अवेयरनेस पेपर के लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, लेट अस डिस्कस दैट। अब बात करें दोस्तों किस चीज की आपको जनरल अवेयरनेस में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल अवेयरनेस। सेकेंड इज स्टेट न्यूज, बैंकिंग न्यूज, एमओयूज, न्यूज ऑन इकोनॉमी, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज होगी, न्यूज ऑन इकोनॉमी, ठीक है, कोई जीडीपी डेटा आ रहा है इस टाइप से, ठीक है, कोई WPA CPI डेटा, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज कोई कंडक्ट हुई है, कोई ऐसी परचेजिंग हम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, या डेवलपमेंट कुछ हम इंडिया में ही कर रहे हैं, इंडिजीनियस डेवलपमेंट हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है पिछले 4 मंथ में, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अवार्ड से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, डेज इन न्यूज है और मिसलेनियस, और डेज इन न्यूज में आपको थीम्स भी याद करने पड़े। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है ना दोस्तों ये है आपका जनरल अवेयरनेस का। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको आपके नाबार्ड ग्रेडी 2023 जीए पेपर के लिए पढ़ने ही पड़ेंगे। और इनमें से दोस्तों देखो कुछ चीजें हैं जो आपको ESI के लिए भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी और कुछ चीजें आपको ARD के लिए प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ऑल इन ऑल इतनी चीजें प्रिपेयर करने के साथ साथ आपका ESI और ARD दोनों उसकी कुछ प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। ESI में देखिए स्कीम्स है, रिपोर्ट्स हैं और भी काफी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, बट यहां से भी कुछ चीजें आपको आपके ESI और ARD के पेपर में भी हेल्प करें, जैसे बैंकिंग इन न्यूज। अब नेशनल न्यूज में हम एग्रीकल्चर भी इसी में कवर कर रहे हैं जो हमारी मैगजीन चल रही है, ठीक है। तो नेशनल न्यूज में अगर एग्रीकल्चर से कुछ आ रहा है तो आप एग्रीकल्चर वाले पार्ट में भी याद करिए, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज आ रही है तो आपके वो ESI के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी चीजों की, स्कीम्स दैट आर इन न्यूज फ्रॉम लास्ट 4 to 6 मंथ दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर 4 से 6 मंथ की स्कीम्स जो भी न्यूज में चल रही हैं, जो भी न्यूली लॉन्च स्कीम है, कोई स्कीम में कुछ अपडेट है, ये सारी स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फेज वन जीए में भी आपके स्कीम्स पूछी जाती हैं, बिली क्लियर स्कीम्स जो है ESI ARD में भी अच्छी खासी पूछी गई हैं, बट स्कीम्स जो है आपके जीए में भी पूछी गई हैं। अगर आप ESI ARD में स्कीम्स पढ़ रहे हैं तो आपको वो जीए में भी काम देगी, ठीक है। रिपोर्ट्स इन न्यूज, एक आधा क्वेश्चन रिपोर्ट से भी देखा जा सकता है, एक दो क्वेश्चन स्कीम से देखे जा सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपका यूनियन बजट से भी देखा जा सकता है जीए के अंदर। तो आई वुड सजेस्ट यू जब आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और स्कीम पढ़ रहे हैं ESI ARD फेज वन या फेज टू के लिए, तो आप एक को जीए के लिए भी प्रिपेयर कीजिए। जीए के लिए इसलिए प्रिपेयर करना पड़ता है दोस्तों, कैसे अब डिफरेंट कैसे होता, देखो ESI और ARD के लिए हम स्कीम्स को डिटेल में पढ़ते हैं, बट जीए में हमें थोड़ा समराइज में उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए आप स्कीम्स, रिपोर्ट्स, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी अच्छे से पढ़िए फॉर योर जीए। नेक्स्ट और क्या पढ़ना है आपको, नेक्स्ट दोस्तों बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी न्यूज चल रही है दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस बॉक्स, बैंकिंग न्यूज में हमने कर रखा है। बट फाइनेंशियल अवेयरनेस, मान लीजिए कोई RBI ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ ऐसा लॉन्च कर दिया है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी न्यूज चल रही है, दैट इज अगर PAB में भी चल रही है, न्यूज में भी चल रही है, न्यूज पेपर्स में भी चल रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट जो बात कर लें एग्रीकल्चरल अवेयरनेस, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी MOU है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई इंस्टीट्यूट ने, इंडियन इंस्टीट्यूट जैसे ICAR है, इन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई रिपोर्ट्स प्रेजेंट की है, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, दैट ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डेटा चल रहा है, मान लीजिए कोई रिपोर्ट्स आई है, इंडियन रिपोर्ट या नेशनल रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अवेयरनेस भी आपको रहनी चाहिए फॉर योर जी। सो दिस इज अ सिलेबस दैट यू मस्ट कवर फॉर योर जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात कर लें दोस्तों रेलेवेंट सोर्सेज कौन से हैं। देखिए दोस्तों मार्केट में काफी सोर्सेज पेड और अनपेड चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी पेड कोर्स में ऑलरेडी अनरोल हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसी कोर्स को अच्छे से बार 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 रिवाइज करेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। मैं जज नहीं करना चाहूंगा कि कौन सा
पेड कोर्स ज़्यादा अच्छा है या कौन सा पेड कोर्स आपको कम करना चाहिए? सभी सोर्सेज अच्छे हैं, ठीक है, वो खुद के लेवल पे अच्छी प्रिपरेशन करवा रहे हैं लोगों को, ठीक है, आप सबको अच्छी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप सोर्सेज पेड कोर्सेज में एनरोल हैं तो उससे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप एनरोल्ड नहीं हैं तो काफ़ी फ्री सोर्सेज भी मार्केट में अवेलेबल है। एक सोर्स का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, बाकी मैं आप दैट इज वेरी मच पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, दैट इज अफेयर्स क्लाउड, ठीक है। तो आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हैं आपके करंट अफेयर्स के प्रोफेशन के लिए। बट अफेयर्स क्लाउड का मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि अफेयर्स क्लाउड स्पेसिफिक नाबार्ड के लिए नहीं है, वो सभी एग्जाम्स के लिए है। वो नो डाउट आपके नाबार्ड में हेल्प करेगा, नो डाउट अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हेल्प करेगा, नो डाउट आपकी आरबीआई ग्रेड बी में भी हेल्प करेगा। बट ऑल इन ऑल हम अगर कहें कि वो आपकी कंप्लीटली हेल्प करेगा तो ऐसा कुछ नहीं। जीए में नो डाउट वो आपकी हेल्प करने वाला है, बट ईएसआई और एआरडी के लिए आपको एक स्पेसिफिक सोर्स के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ईएसआई और एआरडी की जब बात करते हैं ना दोस्तों, तो ईएसआई और एआरडी में काफी चीजें जो हैं वो स्पेसिफिक चीजें हैं, ठीक है। स्कीम्स जो हैं वो अच्छी खासी पूछ ली जाती हैं, और स्कीम्स हम जब अफेयर्स क्लाउड पढ़ते हैं तो उसमें स्कीम्स इतनी कवर नहीं होती, ठीक है। तो जीए की बात करें तो जीए के लिए आप अफेयर्स क्लाउड को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। लास्ट 4 महीने की आप पॉकेट पीडीएफ पढ़िए जीए के लिए, ठीक है, नॉट फॉर ईएसआई। जीए के लिए जो अफेयर्स क्लाउड की पॉकेट पीडीएफ आती है, यू कैन फॉलो दैट फॉर योर जीए एग्जामिनेशन। सिलेबस जो है हमने जीए का डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं कि उसकी उसके वे में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और क्या चीजें जो है आपको फॉलो कर सकते हैं? न्यूज़पेपर आपको पढ़ने चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? बिल्कुल नहीं पढ़ने चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू आप मैगजीन फॉलो कीजिए लास्ट 4 महीने की, ठीक है, जो अवेलेबल है आपके पास, पेड अनपेड जो भी मैगजीन अवेलेबल है, 4 महीने की मैगजीन फॉलो कीजिए। उसके आप नोट्स बनाइए मत बनाइए, दैट्स अप टू यू। किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम दैट यू कैन एनरोल इन एनी कोर्स, ठीक है। जल्दी से जल्दी कोर्स में एनरोल कीजिए, और आई वुड सजेस्ट कि करंट अफेयर्स को फटाफट पढ़िए, आगे से 4 से 5 दिन में आप जो करंट अफेयर है इजिली कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन पोर्टल्स कौन से हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन योर ईएसआई एआरडी एंड जीए एग्जामिनेशन? तो सबसे पहला पोर्टल तो है जी मेंटर स्पेस। मेंटर स्पेस के यूट्यूब चैनल पे आपको आपकी ईएसआई की कवरेज डिटेल में मिल जाएगी। करंट अफेयर भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो करंट अफेयर की कवरेज भी आपको ईएसआई के लिए अच्छे से मिल जाएगी। ये आप जो है वहां से पढ़िए, आई वुड सजेस्ट यू, ठीक है। स्कीम्स भी आप हमारे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, स्कीम्स तो अच्छी खासी काफी चैनल्स पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑनलाइन पोर्टल्स भी दोस्तों काफी हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, बट काफी हैं, आप जानते ही होंगे, बड़े बड़े नाम हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। सभी पूरा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जितना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर फेज वन जीए पेपर। ईएसआई ईआरडी के लिए आई वुड सजेस्ट हूँ कि आप जल्दी से जल्दी किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको जो है आज की वीडियो में आपको कुछ गेनफुल नॉलेज मिला होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैंडली सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज मेल अस एट इन्फो एट द रेट मेंटर स्पेस डॉट इन, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन प्रिपेयर हार्ड।